ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन की कंडीशन को इतना ज्यादा खराब बना सकता है ना, लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोई बना सकता है। देखो यार, तुम सब बहुत सारे नेचुरल एक्सफोलिएटिंग एजेंट अपने स्किन पे यूज करते होंगे, मैंने भी किए हुए। जैसे कि हम बहुत सारे फेस स्क्रब पे इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा जो होम रेमेडीज होती है ना, लाइक हम नींबू का रस अपने फेस पे लगाते हैं ताकि वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर सके और आपकी स्किन को ग्लोई बना सके। लेकिन उसके बाद भी ना कई बार क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है इन इंग्रेडिएंट के लिए, तो हमें अच्छे बेनिफिट तो नहीं मिलते लेकिन बहुत ज्यादा हमारी स्किन इरिटेटेड फील करती है। इस केस में एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसको अगर आप सही तरीके से यूज करते हो तो ये आपकी स्किन पे इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाएगा ना, आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोई कैसे बन सकती है। मैं बात कर रही हूँ ग्लाइको 6 क्रीम की, जो की है एक फार्मेसी प्रोडक्ट, और अगर इसके एमआरपी की बात की जाए ना तो वैसे इसका एमआरपी है 165 रुपीज, लेकिन ऑन डिस्काउंट आपको 120-130 रुपए के आसपास मिल जाता है फार्मेसी पे। और 120 और 130 रुपए का प्रोडक्ट ना आपका अराउंड 6 to 7 months आराम से चल जाता है। तो आप सोच के देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना ज्यादा अफोर्डेबल है। दूसरी बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो यार, अगर आपके स्किन में ना बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन है, बहुत ज्यादा अनइवन टोन है, डार्क स्पॉट्स हैं, या इसके अलावा छोटे मोटे जैसे हम कह सकते हैं ना इवन टेक्सचर होती है स्किन की, और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टैनिंग होगी आपकी स्किन पे, तो उस केस में ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बेटर बना सकता है। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है। तो ग्लाइकोलिक एसिड एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एंड ये होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। मैंने भी इस क्रीम को अराउंड अभी तक 2 to 3 months यूज कर लिया है, और 2-3 months में ना मुझे काफी ज्यादा अपने स्किन पे चेंजेस नजर आए हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको जब भी ग्लाइको 6 यूज करनी है ना, उस टाइम पे ध्यान पे रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो हमेशा आपको लोअर कंसंट्रेशन से ही स्टार्ट करना है। इसका आई थिंक मुझे लगता है 2 या 3% भी आता है वेरिएंट, और ये 6% है, लेकिन 6% भी आपकी स्किन को सूट कर जाएगा क्योंकि 6% भी लोअर कंसंट्रेशन में ही गिना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको हमने यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फेस को प्रॉपरली क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने पी साइज अमाउंट का लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगे ना तो ये आपकी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट कर देगा, जिससे आपकी स्किन को हार्म भी हो सकता है। इसलिए पी साइज अमाउंट लोगे, और रात के टाइम पे आपने इसको यूज करना है। फेस को अच्छे से वॉश करो, वॉश करने के बाद पी साइज अमाउंट लेकर अपने फेस पे लगाना है। इवन आप उस एरिया पे भी लगा सकते हो जो कि इफेक्टेड एरिया, लाइक जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट वगैरह है वहाँ पे भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो, पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। लेकिन हाँ, जो आपका नोज वाला साइड का एरिया है वहाँ पे, आईज वाले एरिया पे, या माउथ के साइड वाले एरियाज पे आपने नहीं लगाना है। वहाँ पे आप पहले बोरोलिन वैसलिन कुछ लगा सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई करो। और उसके बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ड्राइंग प्रॉपर्टी होती है, आपके फेस को थोड़ा सा ड्राई आउट कर देता है। उसके बाद मॉर्निंग में सनस्क्रीन जरूर लगाना है क्योंकि ये आपकी स्किन को सन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। और हाँ, स्टार्ट में ही मैंने वीडियो में बोला था कि अगर ग्लाइकोलिक एसिड को आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे ना तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म भी पहुंचा सकता है। दूसरी बात, आपने इसको वीक में एक बार ही इनिशियली यूज करना है, उसके बाद आप 2 बार यूज कर सकते हो धीरे धीरे ग्रेजुअली। मुझे भी 3 months हो चुके हैं, मैं वीक में एक ही बार इसको अप्लाई करती हूँ, तो आपने बहुत ज्यादा भी इसको अप्लाई नहीं करना है अब, क्योंकि इससे आपकी स्किन सन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर आप मॉर्निंग में सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करोगे ना तो आपके डार्क स्पॉट रिड्यूस होने के बजाय और ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि सन स्पॉट भी आपके फेस पे आ जाएंगे, इसलिए सनस्क्रीन अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अब आपको पूरी इस वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।